गाइज कैसे हैं आप सब। आई होप सब मज़े में हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के सागर ऑफिशियल में। तो गाइज़ मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ, खास करके जो भी भाई भर्ती में जाना चाहते हैं यानी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी की कुछ रिक्वायरमेंट हो रही है और कहाँ पे हो रही है, कब हो रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो भी भाई चैनल पे नया है तो चैनल को पहले यहाँ पे कर दो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि जब भी कोई मैं ऐसी अपडेट लेके आऊँ या ऐसी कोई नोटिफिकेशन लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ चलो चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और सब कुछ डिस्कस करते हैं। गाइज मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस श्रीनगर, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट आर्मी हेलीपैड ग्राउंड करगिल। यानी ये करगिल में हो रही है। कब से हो रही है गाइज, देखिए यहाँ पे ये हो रही है 24 जून 2021 से 30 जून 2021 तक। उसके बाद गाइज नीचे क्या बोला गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्राम। अब ऑनलाइन फॉर्म, इस फॉर्म कब से लगने वाले हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 अप्रैल 2021 से 8 जून 2021। यानी 25 अप्रैल से फॉर्म लगने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इनकी जो है वो 8 जून को है। इसके बाद गाइज नीचे पढ़ते हैं। गाइज जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड इन एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ लद्दाख। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आर्मी की रैली हो रही है इसमें खाली जो लद्दाख के बच्चे हैं वही एलिजिबल हैं, लद्दाख यूटी के। डिस्ट्रिक्ट नेमली, आप डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जिसमें लेह और करगिल आता है। गाइज आप जानते हैं कि सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख के, लेह और करगिल इन्हीं की है। और यहाँ पर कब है गाइज, 24 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक है। कहाँ पे, आर्मी हेलीपैड करगिल, जो आर्मी हेलीपैड है करगिल में वहाँ पे है इसकी भर्ती। उसके बाद गाइज नीचे क्या दिया हुआ है, डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट रैली आर टेंटेटिव एज माइट बी चेंज। बोलते ये जो डेट और वेन्यू जो बताया गया है तो ये टेंटेटिव है, क्योंकि COVID-19 के चलते हुए मे भी हो सकता है इसकी जो इसका रियल एग्जैक्ट जो जगह होगी तो वो चेंज भी हो सकती है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ रिक्वायरमेंट ऑफ ईयर 2021 नीड बी रजिस्टर्ड अगेन। जिन बच्चों ने पहले ही उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन, इसमें बोला गया कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा दें क्योंकि नोटिफिकेशन हैज़ बीन कैंसल ड्यू टू COVID-19। जो प्रीवियस जो पिछली जो नोटिफिकेशन थी उसको कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू COVID-19 को चलते हुए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 25 अप्रैल टू 8 जून। और ये अब शुरू हो चुका है फॉर्म लगने 25 अप्रैल से लेके 8 जून तक। इसके बाद गाइज नीचे क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है, एज, बर्न बिटवीन, हाइट, मिनिमम फिजिकल केवार, वेट, चेस्ट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी जिसको GD कहते हैं, इसमें हाइट गाइज क्या बोली गई है, 17.5 से लेके 21 तक इतनी एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 तक, यानी इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और मिनिमम फिजिकल वेट जो आपका है गाइज वो है 44.4 kg। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे चेस्ट के, तो वो होनी चाहिए आपकी 77 सेंटीमीटर। इसमें क्वालिफिकेशन जो बोली गई है गाइज, 10th प्लस इन 10th मैट्रिक होनी चाहिए आपकी विद 45% मार्क्स। ठीक है, इसके बाद नीचे देखते हैं, बात करते हैं और यहाँ पे बताई गई है सोल्जर टेक्निकल की, इसका भी देख सकते हैं आप, आगे पूरा पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। इसके बाद बात करते हैं नीचे सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, इसको भी आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पे एक और है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, इसको भी आप आराम से पास करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है। सोल्जर ट्रेडमैन, इसके बाद आर्मी ट्रेड्समैन, सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास, यहाँ पे 10th पास था। इसके बाद नीचे गाइस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो पुलअप्स होते हैं, मार्क्स के कितने हैं। ठीक है, बाकी मैं वीडियो को थोड़ा सा
स्लो मोशन में रखता हूँ, यानी थोड़ा स्लो में आपको दिखा देता हूँ, आप इसको पूरी तरह से नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ गई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी मैं वीडियो को पूरे एंड तक आपको नीचे तक दिखाता रहता हूँ, तो आप इसको जहाँ भी आपको लग रहा है तो आप उसको पास करके वीडियो को रीड कर सकते हैं।